एवरीवन, मेरा नाम वसीम है। आप देख रहे हैं सिम्स वर्ल्ड, ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे। और मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने एक बैग ऑर्डर किया था सफारी का, जो कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था कौन सा बैग अच्छा है जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर आप 2 या 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो एक आपको बड़ा बैग लेना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा कैरी करने के लिए हमको तकलीफ़ होती है उसमें। उस वजह से मैं एक ऐसा बैग या सैक ढूंढ रहा था जो बहुत ही ज़्यादा कपड़े अकोमोडेट कर सके और इजीली टू कैरी हो। तो उस वजह से मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, उसके ऊपर मेरे को एक सफारी का बैग या तो बोल सकते हैं सफारी का एक सैक है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैंने ऑर्डर किया 2 दिन पहले और वो आज आ चुका है। तो हम आज करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं लेके आता हूँ वो बैग। कैरी बैग में मिला है जो कि अमेज़ॉन का है। ये पूरा पैकिंग किया है, इसके अंदर कोई भी बबल रैप नहीं किया है इन लोगों ने। सो बबल रैप नहीं किया है, अंदर भी मेरे को नहीं लगता है बबल रैप है। तो कुछ डैमेज तो मुझे नहीं लगता हुआ है। तो आइए चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। सो इसके अंदर और एक प्लास्टिक बैग है। सो ये प्लास्टिक बैग बहुत ही ड्यूरेबल लग रहा है मुझे। और ऊपर से जो ये इसका जो अनलॉकिंग सिस्टम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये अनलॉकिंग सिस्टम है इसका, बहुत ही ड्यूरेबल लग रहा है। ये प्लास्टिक सफारी का है जिसके ऊपर MRP यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो MRP लिखा हुआ है 5099। सो ये 5100 के करीब इसका MRP है। और ये रहा बैग। सो ये बैग दिखने में एक नॉर्मल सैक टाइप लग रहा है अगर आप देखते हैं तो। ये सफारी का बैग है, इसके ऊपर लिखा हुआ एक्सपीडिशन एस्टैब्लिश 2018। सफारी बहुत ही अच्छा कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, बहुत पहले का कंपनी है जो बैग्स बनाता है। तो ये लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बैग बनाया है और कुछ इनोवेटिव तरीके से बनाया है। मैंने बहुत सारे सर्च मारे हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, बट ऐसा बैग मुझे कहीं नहीं मिला। इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये पीछे से पूरा खुलता है। तो आइए हम देखते हैं पूरा एक वीडियो इसका कि अंदर से कैसे दिखता है और ये इसके अंदर कितने कपड़े आ सकते हैं और क्या क्या आ सकता है वो हम लोग देखते हैं ये वीडियो में। सो अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 चेन्स है। सो फर्स्ट यहाँ पे है ये वाला चेन और यहाँ पीछे 2 एक के बाद 1 चेन है। तो 3 चेन है ये बैग में। सो आइए देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक। सबसे पीछे वाला जो चेन है वो हम खोलते हैं। अगर ये हम चेन खोलते हैं, पूरा चेन भी अच्छे क्वालिटी के दिख रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कंपार्टमेंट है इसका लैपटॉप का। तो अगर लैपटॉप आप कैरी करते हैं तो यहाँ पे आप लैपटॉप डाल सकते हैं एक अपना, और यहाँ कुछ छोटे से डायरीज या कुछ डाल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे लैपटॉप और यहाँ पे कुछ डायरी। या साइड पीछे का देखते हैं आप, तो ये साइड पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइड जो देखते हैं आप, ये साइड 2 कुशन्स दिए हैं ताकि हमको बैक को एक सपोर्ट रहे। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पीछे के साइड। और ये एक और सेक्शन है जहाँ पे अगर आप लैपटॉप यहाँ पे रखते हैं पीछे, यहाँ पीछे रखते हैं तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है जिससे लैपटॉप को कुछ अंदर हो ना। सो ये एक सॉफ्ट कवर है पीछे, सॉफ्ट कॉर्नर है पीछे में, पीछे भी है और यहाँ नीचे भी है। सो ये 3 सॉफ्ट कॉर्नर्स है इधर जो आपके लैपटॉप को और आपके बैक को सपोर्ट करते हैं। सो ये हो गया लैपटॉप का सेक्शन। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन जिसके लिए मैंने ये बैग लिया है। सो अगर आप सेकेंड चेन खोलते हैं, जो आगे वाला है चेन, अगर ये चेन खुलता है तो ये पूरा खुलता है जैसे कि एक लगेज हो। सो ये एक लगेज टाइप खुलता है। सो इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं कि एक ये होल्डर भी दिया है, अगर हम कपड़े इसमें क्लोथ्स रखते हैं तो ये होल्डर है उसका।
ताकि कपड़े यहाँ के वहाँ ना हो। और ये भी एक सेक्शन है जहाँ पे आप आपके बिलोंगिंग्स और आपका कुछ भी सामान इधर आ सकता है इसके अंदर। और ये आपका होल्डर है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये कंसेप्ट। और इसके बाद में और एक चीज़ है इसके अंदर, अगर आपको ये बैग बड़ा करना है तो यहाँ पे एक और चेन दी है, जो अगर आप खोलते हैं इसे, अगर आप खोलते हैं तो ये बैग बड़ा हो जाता है। ये देखिए इतना स्पेस और मिल जाएगा बैग को, और बड़ा हो जाएगा ये बैग, तो अंदर से इतना बड़ा दिखेगा आपको। अगर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है इसके अंदर, कितना स्पेस हो जाएगा अगर आपको बैग रखना है तो, अपने कपड़े रखने हैं तो, अगर आपको कोई भी आपके बिलोंगिंग्स रखने हैं तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है, प्लस इतना बड़ा बैग आपका हो जाएगा। और उसके बाद में और एक चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये छोटा सा एक चेन है इधर, इतना ही ये सेक्शन में एक चेन है, जो अगर हम खोलेंगे और इसके अंदर से एक हमको रेन कवर मिलेगा। सो ये रेन कवर है जो इसको बैग को ये अटैच्ड है, और अगर बारिश आती है तो ये बैग हम कवर कर सकते हैं अपने पूरे बैग को बचाने के लिए बारिश से। सो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये एक बहुत ही ड्यूरेबल रेन कवर दिख रहा है मुझे, जो कि आपके बैग को रेन से बचाएगा, और ये खो ना जाए कहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेन कवर कहीं भी रख देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए ये अटैच्ड है बैग को, ताकि ये बैग के आसपास ही रहे और घूमे नहीं। सो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही सोचा हुआ कंसेप्ट है ये। सो ये चीज़ की वजह से मैंने ये बैग लिया। प्लस इसके अंदर और एक चीज़ है जो एक नॉर्मल सैक में भी रहती है, ये एक चेन सामने की तरफ है जहाँ पे हम आप अपने कुछ और सामान रख सकते हैं यहाँ पे ये सेक्शन में। सो ये बैग पूरी तरह से ड्यूरेबल है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। तो मैंने बहुत सारी जगह और बहुत सारे साइट्स पे ये बैग्स ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारे माउंटेन ट्रैकिंग बैग्स भी रहते हैं जो कि स्ट्रेट रहते हैं जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं। सो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जो कपड़े रहते हैं वो एक के ऊपर हम डाल देते हैं, और वो जब हम ट्रैकिंग करते हैं, या तो फिर अगर बैग अगर हम लोग कोई ट्रेन में डालते हैं ऊपर अपर सेक्शन में, तो यहाँ का वहाँ ना हो सामान, या तो फिर उसके अंदर कोई हार्ड सामान रहता है तो हम वो टूट ना जाए, उसका डर रहता है हमको। इसके अंदर इतना सेफ्टी भी है, और प्लस आप अपना सामान, अच्छा सामान, सॉफ्ट सामान हम ऊपर रख सकते हैं, और जो लैपटॉप है हम लोग पीछे रख सकते हैं। पीछे इतना अच्छा कुछ कुशन दिया हुआ है तीनों जगह पे, जो हमारे बैग को भी सपोर्ट करता है, प्लस लैपटॉप के अंदर भी जो अंदर हमारा लैपटॉप है उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। प्लस जब हम ये सैक अगर हम पहनते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखते हैं आप, कुशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल कुशन है जिससे हमको इधर हर्ट नहीं होता है शोल्डर के ऊपर। और उसके बाद में अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं अपना जो भी वेट है बैग का, सो ये एक बकल दिया है इधर, सो ये बकल को अगर हम बंद करते हैं तो हमारा बैग का वेट एक जैसा ही रहता है लेवल में, इधर उधर नहीं होता है, ताकि हमको शोल्डर पेन ना हो कोई, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम अगर भार रहता है तो वो एक बैलेंस हो जाए। सो ये बहुत ही अच्छा बैग है, और मैंने ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद में बहुत अच्छे रेट में लिया है। इसका MRP अगर आप देखते हैं तो 5099 है, और अगर आप Amazon या Flipkart से लेते हैं, Flipkart पे थोड़ा महंगा है, Flipkart पे अराउंड 2800 या 2900 का ये बैग है। मैंने Amazon से लिया है, Amazon में मेरे को 2600 में ये बैग मिल चुका है। सो ये बैग में 18 मंथ्स का वारंटी है अगेंस्ट स्ट्रैप्स का, और हैंडल का वारंटी है, जिपर टेस्टेड है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आप ये बैग लेते हैं, अगर आपको
कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप अपने शोल्डर पे ये बैग नहीं लेना चाहते हैं तो और एक चीज़ है जिससे जो ये बैग को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है, विच इज़ ये वाला जो हैंडल रहता है ये तो बहुत सारे बैग्स में रहता है, बट आप ये वाला जो हैंडल है ये आपने कभी देखा नहीं होगा कोई बैग में, सैक में, एक्चुअली सैक में कोई ऐसा हैंडल नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ, अगर आप जाते भी हैं तो ऐसे भी आप उसको कैरी कर सकते हैं या तो फिर ऐसे भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा बैग है ये जो मैंने ऑर्डर किया है, और मेरे को 2 दिन में अमेज़ॉन से इसका डिलीवरी मिल गया था। तो मुझे आपके साथ में ये शेयर करना था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अगर कोई सैक या बैग ढूंढ रहे हैं जो अगर आप ट्रैवल पे जाते हैं तो वो इजीली कैरी कर सके इजीली, मेरी तो यही राय है कि आप ये बैग ज़रूर खरीदें अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए बड़ा बैग लेना नहीं है, तो आप ये बैग कैरी कर सकते हैं। इसमें अराउंड आई थिंक 8 से 10 जोड़ी कपड़े आ सकते हैं आराम से, और लैपटॉप और टैबलेट आप पूरा सेक्शन है उसके अंदर, और प्रोटेक्शन भी है। सो मेरा फुल रिकमेंडेशन है आप ये बैग लें और मुझे बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये बैग कैसा लगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो दूसरे जो भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली जो भी अगर ट्रैवल बैग लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट बैग है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग खरीदूंगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।